नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में 8 जुलाई 2022 को गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने मेन सिंगल्स के फाइनल में मलेशिया के एनजीटी योंग को हराकर गोल्ड मेडल जीता। लक्ष्य के इस कामयाबी पर पूरे उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। वहीं अल्मोड़ा बैडमिंटन एसोसिएशन ने लक्ष्य की जीत पर चौगान पाटा में जबरदस्त आतिशबाजी की और मिठाई भी बांटी। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर हर देशवासी का दिल जीत लिया है। लक्ष्य सेन की ऐतिहासिक जीत पर पूरा देश खुशी से झूम रहा है। लक्ष्य सेन के गृह जनपद अल्मोड़ा में भी खुशी की लहर है। लक्ष्य के कॉमनवेल्थ में ऐतिहासिक गोल्ड जीतने पर अल्मोड़ा बैडमिंटन एसोसिएशन ने चौगान पाटा में जबरदस्त आतिशबाजी की और मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन संघ के सचिव BS मनकोटी ने कहा कि लक्ष्य सेन ने एक बार फिर पूरे देश को गौरवान्वित किया है, साथ ही अल्मोड़ा जिले का नाम विश्व में रोशन किया है। लक्ष्य सेन की इस उपलब्धि पर अल्मोड़ा में उनके परिजनों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लक्ष्य सेन के माता पिता वर्तमान में बेंगलुरु में रहते हैं। अल्मोड़ा में लक्ष्य के फूफा भारतेंदु पंत और उनकी बुआ गीता पंत रहती हैं। उन्होंने लक्ष्य की इस उपलब्धि पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस स्वर्ण के साथ ही लक्ष्य राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुष एकल में पदक जीतने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी और स्वर्ण जीतने वाले 4थे एथलीट बन गए। मुझे ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को उस पर गर्व है। जिस तरह से उसका नाम लक्ष्य है, उसको लक्ष्य की ओर रोज मतलब प्रतिदिन अपना खेल द्वारा अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने शहर का नाम ऊंचा कर रहा है। तो इस बार भी मोदी जी को लड्डू भेजेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो भेजनी पड़ेंगी। वो आएंगे तो वो ही ले जाएंगे, नहीं तो हम लोग भेजेंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन भेजेगा, हम लोग भेजेंगे। ऐसा नहीं, चौथी बार गोल्ड मेडल जीत कर लक्ष्य ने देश और भारत का नाम विश्व में विख्यात कर दिया है। पूरे हिंदुस्तान को गर्व है इसमें, पूरे इंडिया को, क्योंकि लक्ष्य अभी ये आपके क्या कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लाया है, उसके पहले थॉमस कप में, तो उसका तो एम ही मतलब जैसे नाम है उसका लक्ष्य, एक लक्ष्य बना के चला है और उसको अचीव भी बहुत अच्छी तरह कर रहा है। कॉमनवेल्थ में तो उसकी खुशी मतलब हमको नहीं आएगी, पूरे अल्मोड़ा से पूरे इंडिया को होगी। तो हम थैंक यू सबको कि भैया को भी कॉन्ग्रेचुलेशन।